जिनके कारखानों में तैमंद बनते हो वहां बार-बार की दुकानें अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब यह है कि पड़ोसी मुल्क ने तैमंद के असंख्य कारखाने लगाकर जिस प्रकार दाढ़ी की सीढ़ियां चढ़ी है उसका एक पायदान लंदन में भी रखा जा चुका है। इसका पटाक्षेप भी आज ही हुआ है। लंदन में जिस जमूरे ने यहां इस्लाम के झंडे को लहराने की कोशिश की वह पाकिस्तानी तैमंद को लपेटकर उसकी लंबाई चौड़ाई देख चुका था। यानी जैसे न्यूजीलैंड का ब्रिटेन अपने पाकिस्तानी भ्रमण में तैमदों और टोपी का गिफ्ट लेकर गया था, लंदन के खेल वाले जमूरे उस्मान खान के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले। या यह कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा कि उस्मान और पाकिस्तान एक ही तैमन से बनी दो टोपिया है जिनकी दाढ़ी की करामात लंदन ब्रिज पर 6 लोगों के दर्द में सुनाई दी। लंदन पुलिस ने दावा किया है कि उस्मान खान ने अपना किशोरावस्था पाकिस्तान में व्यतीत किया था। उसकी शुरुआती शिक्षा भी पाकिस्तानी मदरसों में हुई थी। पाकिस्तान में वह अपनी बीमार मां के साथ रहता था। यानी उस्मान खान इस मदरसा पैदाइश का वह ध्वजवाहक है जिसके भरोसे तैमंद और टोपी के कारखानों की जीडीपी दुनिया को ठेंगा दिखाती है। खास बात यह है कि 1990 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बम धमाके में उसकी भूमिका के लिए उस्मान खान को 16 साल की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2012 में सजा सुनाए जाने के वक्त न्यायाधीश ने चेतावनी दी थी कि वह एक गंभीर जिहादी है, इसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि दिसंबर 2018 में ही इस पाकिस्तानी जमूरे को जेल से छोड़ दिया गया। हालांकि लंदन पुलिस ने उसे हूरों की खोज में भेज दिया है। लेकिन जिस प्रकार इमरान खान का पाकिस्तान ब्रिटेन में चर्चा में आया उससे इस मुल्क में गधैया नर्तक का जश्न शुरू हो गया है। पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान नया बने या पुराना रहे, यहां जमूरों की फैक्ट्रियां कभी खत्म नहीं हो सकती। इस देश को चीन के मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी मुसलमानों की फिक्र है। कमाल की बात यह है कि लंदन के भिखारियों में 72% भिखारी पाकिस्तानी है जो होमलेस के डब्बे लेकर पाकिस्तान का पदीना सुंघाते फिरते हैं। इन भिखारियों को पाकिस्तान के उस इस्लाम की चिंता भी है जो खुद पाकिस्तान में मजाक उड़वा रहा है। सही मायनों में देखा जाए तो पाकिस्तानी तैमंदबाज इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है, क्योंकि दुनिया में इन्होंने ही इस्लाम का वास्तविक चेहरा पेश किया है। बड़ी बात यह है कि जिस जुल्फिकार भुट्टो ने इस्लामिक बम के नाम पर इस्लामाबाद में टोपी लहराई थी वह आज इनकी तशरीफ तले ही फट रहा है। लेकिन उसकी तपिश दुनिया भर के मुसलमानों को झुलसा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसमें 72 हूरों के ख्वाब सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और संभवतः इस देश के हर गली मोहल्ले में हीरा मंडिया खुल गई है। कहने वाले तो इसे पाकिस्तान कम अय्याशिस्तान ज्यादा कहते हैं, क्योंकि हूरों की खोज में निकलने का रास्ता इसी खटारा मुल्क से होकर जाता है। लंदन में 6 लोगों को चाकू से घायल करने वाला उस्मान खान भी हूरों के दीदार के चक्कर में पाकिस्तानी तैमंद लपेटे हुए था। यह इमरान खान के 40,000 से ज्यादा जमूरों में एक छोटा सा प्यादा था। बड़े बड़े जमूरे अभी भी यहां इमरान खान और बाजवा से अपने सामने तशरीफ झुकवा रहे हैं। मजे की बात यह है कि हूरों की संख्या 72 पर ही अटकी हुई है, जबकि 25 लाख की आबादी वाले पाकिस्तान के 90% लोग उनके गम में पागल हैं। उस्मान पाकिस्तान का नाम लंदन में चर्चित करके हूरों की तलाश में निकल चुका है, लेकिन दुनिया अभी भी उन जमूरों की तरफ से आंखें मूंदी हुई है जिन्होंने हूरों की अनगिनत कहानियां सुनाई है। भारत बहुतों को निपटा रहा है, लेकिन जब तक खाट को नहीं फूका जाएगा खटमल नहीं जाने वाले हैं। बेहतर हो कि दुनिया जमूरों के उस कारखाने का पहिया पूरी तरह जाम करे जहां तैमंद और टोपियां तैयार होकर दुनिया भर में फैल रही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।